बड़ी खबर आपको दे दें, जेएमएम ने विधायक चमरा लिंडा पर कड़ी कार्रवाई की है। चमरा लिंडा को जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। पार्टी विरोधी कार्य करने के आरोप में उन पर यह कार्रवाई की गई है। हम आपको ये बता दें कि लोहरदगा लोकसभा सीट से चमरा लिंडा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया है। हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि इंडिया की तरफ से सुखदेव भगत यहाँ के अधिकृत प्रत्याशी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं बड़ी खबर, जेएमएम ने विधायक चमरा लिंडा पर कड़ी कार्रवाई की है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, क्या जानकारी मिल पा रही है? जेएमएम की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, विधायक चमरा लिंडा को अब निलंबित कर दिया गया है। शेयरिंग के दौरान इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि आखिर लोहरदगा लोकसभा से कौन प्रत्याशी होगा, और जब सीधे तौर पर चमरा लिंडा का नाम चल रहा था, चमरा और साथ ही साथ सुखदेव भगत के नाम पर भी लगातार जिक्र हो रहा था, लेकिन जैसे ही इंडिया गठबंधन ने सुखदेव भगत के नाम पर मुहर लगाई, यानी सुखदेव भगत को लोहरदगा लोकसभा का प्रत्याशी बनाया, वैसे ही चमरा लिंडा की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली। चमरा लिंडा ने निर्दलीय ही नामांकन पर्चा दाखिल कर खरीद लिया, और उसके बाद से ये चर्चा होने लगी, लगातार ये बातें उठने लगी कि अगर चमरा लिंडा पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल हो रहे हैं, यानी जब इंडिया गठबंधन ने किसी एक को उम्मीदवार चुन लिया है, तो फिर ऐसे में निर्दलीय जाकर पर्चा खरीदना कहां से जायज होगा। इस बात को लेकर लगातार उठ रही थी मांगे कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और आखिरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें उन पर कार्रवाई करते हुए, यानी चमरा लिंडा पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सदस्यता से भी निलंबित कर दिया है। तो सीधे तौर पर ये एक अनुशासनहीनता के आरोप में चमरा लिंडा पर की गई कार्रवाई है। अब देखना है कि आगे इस पूरे मामले पर जो है वो चमरा लिंडा की तरफ से क्या कुछ बयान आते हैं, क्योंकि एक लंबे वक्त से वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक भी रहे हैं, ऐसे में जब उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल पाया गया तो उन्हें निलंबित कर दिया गया। ठीक है कामरान, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।